ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये टिक्की, तो बहुत ही टेस्टी टिक्कियां हमारी बनकर रेडी हुई है। आप इसे मेरी रेसिपी से जरूर ट्राई करें। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दो तरह से आलू पनीर कटलेट्स। बहुत टेस्टी कटलेट बनते हैं, सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, सभी इसको बहुत ही शौक से खाते हैं। बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाते हैं ये, तो देखते हैं से बनाने के लिए हमें किन चीजों दो तरीके के आलू पनीर कटलेट बनाने के लिए हमें चाहिए। पनीर, चावल का आटा, मैदा, कॉर्नफ्लावर, ब्रेड क्रम्स, लहसुन अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, काली मिर्च, नमक, देगी मिर्च, हरा धनिया और उबले हुए आलू। आइए बनाना शुरू करते हैं अपने कटलेट्स। कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारी बेसिक चीज है वो हम रेडी करते हैं, वो है हम लेंगे एक कटोरी में एक चम्मच कॉर्नफ्लावर का भरकर, और इसके साथ ही हम ले लेंगे एक चम्मच मैदा। जितना हम कॉर्नफ्लावर लेंगे उतना ही हमने मैदा लेना है और इसका एक घोल बना लेना है। तो इसमें पानी डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें इसका जो है एक घोल बना लेंगे, जो कि बहुत थिक भी नहीं होगा और बहुत पतला भी नहीं, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा घोल बनकर रेडी हो गया है, ये देखिए। इसको अब हम साइड रख देंगे और अपना बाकी का काम शुरू करते हैं। आलू पनीर कटलेट बनाने के लिए हमने ये उबले हुए आलू लिए हैं, आलू को उबाल कर हमने छील लिया है और उसके बाद इसको कद्दूकस कर लिया है। अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी आलू पनीर टिक्की। हम दो तरीके से आलू पनीर टिक्की आज बनाएंगे। तो पहली टिक्की हम बनाएंगे, हम एक प्लेट या कोई भी आप बोल ले सकते हैं, उसमें डालेंगे हम अपनी ये कद्दूकस करा हुआ पनीर। इसमें डालेंगे हम उबले हुए कद्दूकस करे हुए आलू। ये हमने दो आलू ले लेने हैं और एक बड़ा पीस पनीर का कद्दूकस कर लेना है। इसमें अब हम डाल लेते हैं अपना बाकी का सामान, अपने मसाले डालेंगे इसमें। मसालों में हम सबसे पहले डालेंगे इसमें नमक, नमक हम डालेंगे इसमें 1/3 स्पून या स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे लाल मिर्च बिल्कुल हल्की चुटकी भर, इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट हमने बनाकर रेडी करके रखी हुई है, ये बड़ी आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। तो एक चम्मच इसमें ये डाल लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे अपना कॉर्नफ्लावर तकरीबन 2 चम्मच भरकर। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ में हम थोड़ी सी इसमें धनिया पत्ती डाल देते हैं। कई लोगों को क्या है कि कॉर्नफ्लावर का टेस्ट जो है बहुत अच्छा नहीं लगता है, तो आप कॉर्नफ्लावर जो है इसमें तकरीबन 1 स्पून से थोड़ा सा ज्यादा डाल लें, ज्यादा कॉर्नफ्लावर ना डालें। जिसको नहीं पसंद है वो 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के ना डालें, क्योंकि हमने सिर्फ इसकी बाइंडिंग करनी है, मकसद हमारा सिर्फ बाइंडिंग करने का है। तो ये अब हम इसकी बॉल बना लेंगे और अपने हाथ में ले लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा ऑयल लेकर हमने अपने हाथ को ग्रीस कर लिया है। अब इस तरह से जो है हम टिक्की बनाकर रेडी करेंगे, इस तरह से बॉल बनाएंगे और हल्का सा फ्लैटन कर देंगे इसको और साइड में से इस तरह से इसको शेप दे देंगे टिक्की की। तो ये हमने टिक्की की शेप इसको दे दी है इस तरह से। थोड़ा सा और दबा देते हैं और इसको एक प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह से हम सारी बनाकर रेडी कर लेंगे। साइज छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसी तरह से इसको बॉल बनाएंगे, हल्का सा फ्लैटन करेंगे, इस तरह से इसको शेप देंगे और एक बार और दबाएंगे। ये हमारी टिक्की रेडी है। ये टिक्कियां हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब हम बनाते हैं अपनी दूसरी टिक्की। इकट्ठे ही हम जो है इकट्ठा इसको फ्राई करेंगे। तो हम दूसरी टिक्की बनाने के लिए हमने जो है ये आलू ले बॉयल करके मैश करके जो रखे हुए हैं वो ले लेंगे। इसमें डालेंगे अपने मसाले, मसालों में हम डालेंगे इसमें अपना अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट 1 चम्मच। इसमें डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार तकरीबन 1/3 स्पून, थोड़ा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं।
इसमें डालेंगे लाल देगी मिर्च 1/3 स्पून, इसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच, थोड़ा हरा धनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके साथ में हम इसमें डालेंगे अपना चावल का आटा तकरीबन 2 चम्मच और इसको मिक्स कर लेंगे। चावल के आटे से टिक्की जो है बहुत ही क्रिस्पी हो जाती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके हम डो बना लेंगे। डो बन के रेडी हो चुका है हमारा। अगर आपके हाथ में ये बैटर चिपक रहा है तो हाथ को आप थोड़ा सा चिकना कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल लगा लें। अब हम बनाएंगे इसकी स्टफिंग। इसके लिए हमने पनीर लिया है, आधी कटोरी पनीर लिया है। इसको हमने कद्दूकस कर लिया है। इसमें हम डाल लेते हैं चुटकी भर नमक, हल्दी पाउडर चुटकी भर, लाल देगी मिर्च 1 चुटकी, हरा धनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। हाथ को हम चिकना कर लेंगे और अब टिक्कियां बनानी शुरू कर देंगे। ये जो हमारा डो बना है इसको थोड़ा सा लेंगे हाथ में इस तरीके से और इसको हल्का सा दबाएंगे इस तरह से और इसमें जो है अपनी स्टफिंग को डाल देंगे। ये पनीर की स्टफिंग इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा डो और लेंगे और इसके ऊपर रखकर इसको बंद कर लेंगे। ये बॉल बना लेंगे इस तरह से और हल्के हाथ से इसको दबाएंगे कुछ इस तरह से, टिक्की की शेप दे देंगे और ये हमारी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हम बाकी सारे बनाकर रेडी कर लेते हैं। टिक्कियां हमारी रेडी हो चुकी है। एक प्लेट में हमने ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं, इसको खिला लेते हैं इस तरह से। ये हमने जो मैदा और कॉर्नफ्लावर का घोल बनाया हुआ था इसको हिला लेंगे एक बार और अपनी एक एक टिक्की करके उठाएंगे इस तरह से। इस पे इसको डिप करेंगे अच्छे से और अपनी ब्रेड क्रम्स पे लगा लेंगे। इसको निकाल कर एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से सारी टिक्कियां जो है हमने रेडी कर लेनी है। सारी हमने पहले कॉर्नफ्लावर और मैदे के घोल में लगाकर डिप करनी है, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाकर उस पर उसको निकाल लेना है। सारी टिक्कियों को हमने इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगाकर रेडी कर दिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक ट्रिक है कि हमने इसको जब भी फ्राई करना है हमने इसको रिफाइंड ऑयल में नहीं करना है, या तो हम इसको डालडा घी में करेंगे या हम इसको प्योर देसी घी में करेंगे। उससे जो है टिक्की हमारी बहुत करारी बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। तो मैं जो है इसको देसी घी में आज बना रही हूँ। देसी घी मैंने मेल्ट कर दिया है और कढ़ाई में रख दिया है। इसको हम अपनी टिक्की को डालेंगे कढ़ाई में, जितनी एक बार में आए हमने उतनी ही डालनी है। हमने गैस को बहुत ज़्यादा तेज नहीं करना है, मीडियम फ्लेम में हम इसको बनाएंगे, नहीं तो टिक्की हमारी जो है अंदर से कच्ची रह जाएंगी। बहुत ज़्यादा फ्लेम जो है कम भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम में इसको बनाएंगे। क्योंकि अगर फ्लेम बहुत ज़्यादा कम होगा टिक्की हमारी बिखर सकती है, अच्छी नहीं बनेगी। तो पहली बार जब हम टिक्की डालेंगे तेल गर्म होना चाहिए, उसके बाद तेल को जो है हम थोड़ा सा हल्का कर लेंगे गैस को, एक बार हल्का हल्का ब्राउन होने लग जाए उसके बाद। अभी आप देख सकते हैं गैस कुछ हमारी फ्लेम हल्का हुआ हुआ है, तो हम थोड़ी देर के लिए इसको तेज कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको साइड मोड़ कर फिर दोबारा हल्का कर लेंगे। साइड को मोड़ लेते हैं साइड से। अब देख सकते हैं हल्की हल्की ये ब्राउन होने लगी है, फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ रहा है, दोनों साइड से जो कलर है हमारा बहुत बढ़िया आ रहा है, गोल्डन ब्राउन हो रहा है। थोड़ा सा क्रिस्पी इसको और करेंगे क्योंकि टिक्की जो है हमेशा क्रिस्पी अच्छी लगती है। अच्छे से हमारी टिक्की जो है अच्छी क्रिस्पी हो गई दोनों तरफ से, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं इस तरफ से तो है ही है, दूसरी तरफ से भी बड़ी अच्छी क्रिस्पी हो गई है। देखिए इसको निकाल लेते हैं और बाकी की टिक्कियाँ इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। किसी भी हम किचन टॉवल में इसको निकाल लेंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो अच्छे से निकल जाए। साइड पर रखते हुए निकालेंगे ताकि एक्सेस जो है वापस ऑयल कढ़ाई में चला जाए। ये देखिए इस तरह से
से हमारी टिक्की जो है अच्छी करारी हो गई है। टिक्की करारी ना हो तो उसके खाने का तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं है, करारी टिक्की ही टेस्टी लगती है। इसको निकाल लेते हैं। ध्यान रहे कि जिस टाइम हम टिक्की का बैटर बना रहे होते हैं हम उसमें कॉर्नफ्लोर डालते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं। आप पहले थोड़ा डालें उसके बाद और डालें, आप देखें कि आपकी बाइंडिंग हो रही है कि नहीं। हल्का सा आप फ्राई करके टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर या बहुत ज़्यादा मैदा जो है टेस्ट टिक्की का ख़राब कर देता है। तो आप पहले देख लें और फिर उसको डालें, कहीं ये ना हो कि आप चम्मच बहुत ज़्यादा भर लें और एक्स्ट्रा जो है कॉर्नफ्लोर डाल जाए। तो इसलिए आप बाइंडिंग उसकी देख लें, उसके बाद ही जो है और डालें। बहुत ही अच्छी बढ़िया टिक्की हमारे घर का तैयार है, बहुत ही टेस्टी बहुत ही क्रिस्पी टिक्की बनी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं कितनी इसकी क्रिस्पनेस की आवाज़ है। और हमने मिनटों में इसको जो है बना लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ उसकी स्टफिंग। इसको काटेंगे बीच में से, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये टिक्की। तो बहुत ही टेस्टी टिक्कियाँ हमारी बनकर रेडी हुई हैं। आप इसे मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।